बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई कल आप लोगों को पता है कि सारे जानवरों की पेट की डिवॉर्मिंग हुई थी, पेट के कीड़ों की इनको दवाई पिलाई थी, तो आज जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं ये देखना है, आप लोगों को भी दिखाना है और सारी चीज़ें बतानी है, किस किस को दस्त लगे, किस किस के कीड़े झड़े, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इस्माइल से सारा एक एक जानवर का भी मैं चल के रिव्यू लूँगा, लेकिन उसके अलावा आज दो जानवर आने हैं पंजाब से। एक तो बछड़ा बहुत लंबा सफ़र करके आ रहा है फैसलाबाद से, पहले वो खानपुर आया है, फिर खानपुर में एक बछड़ी मैंने परचेज़ की थी, वहाँ से वो बछड़ी एक दिन बाद लोड हुई है, फिर वो वहाँ से यहाँ पर कराची आया है। ये दो जानवरों की अनलोडिंग भी आपको दिखाएंगे, और इसमें बछड़ा जो है वो ऑलरेडी सोल्ड है, इमरान भाई जो हैं हमारे उन्होंने वो परचेज़ किया है, और बछड़ी जो है वो अल्लाह आपका भला करे वो अवेलेबल होगी फॉर सेल के लिए। लेकिन अभी जिस हालत में जानवर उतरेंगे, सफ़र की थकावट होगी, कोके अंदर हुई भी होंगी, तो अभी वो मतलब सेल पर्पज़ के लिए बछड़ी भी अभी दिखाने के लायक नहीं होगी। लेकिन ये है कि अपना अनलोडिंग मैं आपको दिखाऊंगा, और इमरान भाई ने आज इंशाल्लाह आज आना भी है वही अपना बछड़ा देखने के लिए, तो इमरान भाई से रिव्यू भी लेंगे कि उनको बछड़ा कैसा लगा। तो अभी चलते हैं और चलकर जो है ना वो आपको सारे जानवरों का एक एक करके थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि उनका डिवॉर्मिंग के बाद क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। चलें जी, फाइनली जो है ना वो बछड़ा और बछड़ी आ गए हैं, और बड़ा लंबा बेचारे सफ़र करके आए हैं। सही है, ये आ गई बछड़ी, नेक्स्ट है बछड़ा। अच्छा, बछड़े के ब्यूटी पॉइंट्स अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उतरने दें, अभी तो बहुत लंबा सफ़र करके आया है बछड़ा, बहुत ही लंबा सफ़र किया है बछड़े ने तो ना, तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो बिल्कुल खाली डांडा हो रहा होगा। लेकिन इमरान भाई जो है ना उन्होंने ये लिया है, परचेज़ किया है, और उन्होंने नाम इसका सजेस्ट किया है, या तो शान AQ रखा जाए, या फ़खरे AQ रखा जाए, या जान AQ रखा जाए, इस तरह से कोई नाम रखा जाए, ठीक है। लेकिन मेरे जहन में एक नाम है निराला, या तो रखा जाए इसका नाम, या इसका नाम जो है ना वो एक और नाम था, हाँ, बादशाह हुसन या निराला। देखो बछड़ा कितना पाँव से भी वो हो रहा है, थका हुआ है इतना कि बेचारा लड़खड़ा रहा है पाँव से ना। फैसलाबाद से पहले गया खानपुर, दर्द बहुत है टांग में ना, इसलिए लड़खड़ा है। खानपुर गया, फिर खानपुर से अब यहाँ आया, बहुत लंबा सफ़र किया बछड़े ने, दो तीन दिन लेगा ये सही सेट होने में, कम से कम भी दर्द ख़त्म होने में। जब वो उसने AQ आया था तो उसका भी यही मामला था, वो भी काफ़ी जो है ना वो थका हुआ था, और उसको भी हफ्ते से ज़्यादा लगा था सेट होने में। तो ब्यूटी पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह पांडा फेस है, और चारों पांवों के ऊपर मोज़ा है, और गुलाबी नाक है, दोनों आँखों के ऊपर चश्मा है, तो ये भाई माशाल्लाह ब्यूटी है। खुली रस्सी बांधना, सुकून से थोड़ा सा वो आराम करे। और ये है बछड़ी, बछड़ी भी टूटी हुई है अभी, बछड़ा भी टूटा हुआ है, दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र की थकावट से जो है ना वो परेशान हुए हैं। अभी थोड़ी देर ये लोग आराम कर लें, फिर इनको साफ वाफ करवाएंगे, फिर इमरान भाई भी अब आने वाले हैं तो उनका फिर रिएक्शन लेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल बुल ऑफ AQ कैटल फार्म, मेरी पसंद का बछड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि सिम्बा जो है इसको दस्त लगे हुए थे, कल इसको दस्त रोकने की दवाई पिलाई थी स्क्वारेक्स, तो वो अल्लाह का शुक्र है अब इसके सेट हो चुके हैं, वो पड़ा हुआ है इसका गोबर, ताज़ा गोबर। लेकिन वंडा जो है इसको हल्का दिया है, फिर भी इसने वंडा अपना बचाया हुआ है, तो वो एक मामला है। बच्चों से स्टार्ट करते हैं, इस्माइल इधर आ जाओ। बच्चों का भाई बताओ कि बच्चों ने भी वंडा छोड़ा हुआ है, अक्सर जानवरों ने जो है ना वो वंडा छोड़ा है, हालांकि लाइट वंडा दिया था डिवॉर्मिंग के बाद इनको, लेकिन उन्होंने वंडा नहीं खाया है। तो दोनों बच्चों की भाई क्या रिपोर्ट है? बच्चे ने सुबह भी वंडा कम खाया था, अभी भी वो मोशन की वजह से, मोशन भी बिल्कुल सफेद दूध वाले दे रहे थे। सही है, बाकी माशाल्लाह वैसे तो सेट है, वो दवाई की वजह से थोड़ा कम खाएंगे, दवाई की वजह से कम खाए। और एक बच्चे ने दूध भी सुबह कम पिया है, उसकी माँ में दूध भी आज भरा हुआ है, और ये वंडा भी दोनों छोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आ गई चमचम, चमचम को जो है ना वो, चमचम ने भी वंडा छोड़ा हुआ है,
और आज जो है ना राशन कम दिया है कुत्तर, आपको आज ज़्यादा दिख रही होगी वनडे में, सबको राशन हमने कम क्वांटिटी में दिया है क्योंकि डिवॉर्मिंग हुई है। तो यह आ गया भाई चमचम का गोबर और जो है ना वो इसको इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं हुआ ना, इसको तो एक दो ही मोशन किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, इसने ज़्यादा नहीं किए हैं। सही है जी, ठीक है जी, चमचम ने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वंडा ये भी छोड़ के बैठी हुई है, वंडा नहीं खा रही है। अब इधर आ जाते हैं, इनकी तो हुई नहीं थी डिवॉर्मिंग, इनको तो एज़ यूजुअली जो वंडा डलता है वही डाला है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। ये भाई आ गया याकूत, जिशान भाई का बछड़ा। इसकी ये कंडीशन, ये इसी का ही गोबर है ना? सही है, ये कंडीशन है, ये भी अभी ताज़ा ही किसने किया है, कैरामिल का है, ये कैरामिल का है भाई। तो इनको भी जो है वो पतले पतले हो रहे हैं, और इसने वंडा खा लिया है अपना सारा, ये कैरामिल ने भी खा लिया अपना वंडा, दोनों ने खा लिया। ओए होए होए, कैरामिल को देखो जरा, अल्लाह रहम करे, तौबा भाई तौबा। चलो आपको लाइव जो है ना वो एक डेमो मिल गया है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये है भाई सूरत हाल। इधर आ जाते हैं मुबशर भाई के बछड़े का, इसकी क्या सूरत हाल है? इसका भी यही मोशन पतला हुआ है। सही है, ठीक है। इनका बताओ जमजम और ऊद का, ऊद ने भी अभी ये गोबर थोड़ा बेटर किया है, मगर पहले बिल्कुल पतला था, सुबह में कह रहा है बिल्कुल पतला था, अभी थोड़ा बेहतर किया है। अच्छा अपना इन्होंने, उसने वंडा छोड़ दिया है, सही है, इन्होंने खा लिया, इन दोनों ने। महाराजा सुबह पानी की तरह था बिल्कुल, अभी थोड़ा सेट हुआ है, और वंडा महाराजा ने भी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, ऐसे ही है। ठीक है, सारे गंदे हो रहे हैं एक दूसरे को, बस छींटे आई हुई हैं गोबर की सबके। अच्छा, तो उससे भी बुरी हालत थी, एक दूसरे पर कर दिया था पूरा गोबर, साफ करने में 2 घंटे लग गए, 2 घंटे कह रहे हैं। आज हमारी जो है ना दुर्गढ़ बन गई है जानवरों का गोबर उठा उठा के। सुबह स्माइल की कॉल आई मेरे पास, तो मैंने बोला यार ये तो होगा। अनमोल का क्या सीन है भाई? अनमोल भी मोशन कर रहा है, बाकी वंडा खा लिया है, वंडा खा लिया है इसने। इसका बताओ भाई, इसका तो पहले से ही मोशन हल्के हल्के थे, हाँ दवाई के बाद तो और मोशन हो गए। हाँ ये पड़ा हुआ है इसका, सही है, इसने सबसे पहले ही स्टार्ट किया था। थोड़ा वंडा इनका भी बचा हुआ है, हालांकि लाइट वंडा दिया फिर भी बचा हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं हूर के ऊपर, हूर ने भी जो है ना वो छोड़ा हुआ है सारा राशन अपना। तो हूर का क्या कंडीशन है मोशन की? हूर का भी ये मोशन पड़ा हुआ है, सही है, पतला है। अच्छा, एक बछड़े के कीड़े वाजे तौर पर दिखे थे, वो भी अभी आपको बताएंगे चल के। ये आ गई नूर चशम, बेचारी पीछे से कैसे गंदी हो रही है, इसको भी लगे हैं दस्त। इसको भी लगे हैं। वंडा भी छोड़ा हुआ है इसने, बहुत स्लो खा रही है। मलका की क्या सूरत हाल है? इसने भी वंडा छोड़ा हुआ है, ये वंडा वैसे भी स्लो खाती है, और वंडा भी इसने आज तो दवाई की वजह से छोड़ा हुआ है, बाकी मोशन इसको भी लग गए थे, ज्यादा नहीं लगे मेरे ख्याल से, इसको हल्के लगे थे, इतने भी सुबह ज्यादा थे, सुबह ज्यादा थे, अभी कम है। बस इसकी 2 मलकी सी मुझे गंदी दिख रही है, बाकी तो ये साफ हो रही है। रानी के तो ज्यादा थे सुबह, हाँ खुद डर गया था, पानी छोड़ रही थी, बहुत पानी था। हाँ, सही तो है, मैं खुद डर गया था, मगर अभी है जो बेहतर कर रही है, पहले से बेहतर हो रही है। चलो कोको का क्या हाल है? कोको का भी बड़ा हुआ है, सुबह तो पानी दिया था, अभी कुछ उसका भी बेहतर है। हाँ पहले से अभी कुछ बेहतर है, पहले से बेहतर है। तो कोको ने भी वंडा छोड़ा हुआ है अपना, वो देखो वो कर रही है मलका। अच्छा जी, बटरफ्लाई को नहीं लगे? बटरफ्लाई ने एक दो मोशन मारे थे, बाकी सेट वो इतना नहीं है, वो देख सकते हैं यही उसका गोबर है, ये यही है। ये वाला है? हाँ। सही है, बटरफ्लाई का जो है वो मामला नहीं खुला है ज्यादा ना। हाँ। वंडा भी इसने खा लिया बटरफ्लाई ने अपना, कोको ने छोड़ा हुआ है और रानी ने छोड़ा हुआ है, बाकी सब ने खा लिया है। बच्चियों पर आ जाते हैं, छोटी ब्यूटी क्वीन पे आ जाते हैं, ब्यूटी क्वीन ने वंडा खा लिया है, छोटी वाली बच्ची ने छोड़ा हुआ है। इसका क्या सूरत है हाल है दस्त की? सुबह मोशन ज्यादा थे, सुबह ज्यादा थे, हाँ थोड़े हो गए, ऐसा ऐसा यानी कि बेटर हो रहे हैं ये, ठीक है, जैसे ही दवाई के बाद मोशन ज्यादा हो गए थे, अभी हल्के। सही है। इसका गुलाबों का क्या सीन है? गुलाबों का भी वही है, गुलाबों के अभी इतने हल्के नहीं मोशन हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए उसको, अभी भी मोशन है वो सही नहीं हुए, सही नहीं हुए इसके। हाँ। मतलब अभी तक पानी वाला ही कर रही है, पानी वाला कर रही है। वंडा भी छोड़ा हुआ है इसने, चलो अच्छा है, वंडा कम खाए अच्छी बात है। भोला ज्यादा डाउन हुआ है, और भोले को दस्त ज्यादा हुए ना, ज्यादा में ज्यादा मोशन हो गए थे, और डाउन भी हो गया ये दवाई की वजह से, पहली बार तो भोला का बता रहा है ज्यादा डाउन हुआ। देखो वंडा भी भोला ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है अपना,
सारा का सारा ऐसे ही रखा हुआ है, बाकी सब खा चुके हैं। ये आज जरा डाउन हुआ हुआ है, तो किसी किसी को ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है ना दवाई, हर किसी के पेट का अलग मामला होता है। लाडले पर आ जाए भाई, लाडले का क्या सीन है? लाडले का भी वही सीन है, मोशन मार रहा है, अभी तक मोशन है इसको। अभी तक है इसको मोशन है, सही है, ठीक है। और मरजान भी कर रहा है अभी तक? अभी तक इनका तो सबका अभी तक कर रहा है। सही है। मुफासा भी कर रहा है। मुफासा का देखो पेट कैसे अंदर चला गया डिवोर से, लेकिन वंडा खा रहा है मुफासा। वंडा वगैरह सही से खा रहा है। और ये आ गया हमारा हुस्ने एक्यू, इसका बताया बकायदा मुझे इस्माइल ने, इसके गोबर में बकायदा कीड़े चलते हुए नजर आए, चलते हुए नजर आए थे। फिर हमने खुद देखे, चेक किया, इसमें जिंदा भी कुछ ज्यादातर मर गए थे, मगर कुछ जिंदा भी चल रहे थे, जिंदा कीड़े इसके चल रहे थे गोबर में। भाई पंजाब से आया ना सल ने, ये तो वहाँ से डीवॉर्मिंग वगैरह नहीं हुई भी होगी ना। और ये आ गया हमारा वाइट लाइन, इसकी क्या सूरत है, हाल है? ये अभी भी मोशन कर रहा है, अभी भी कर रहा है। इसके कीड़े वीड़े दिखे नहीं? दिखे इसके नहीं दिखे, बाकी मोशन मार रहा है। अच्छा, ये भी वंडा, इसने भी पूरा नहीं खाया है, छोड़ के खड़ा हुआ है। सही है, ये गोबर है इसका। आगे चलते हैं, आगे मूव होते हैं, एक एक जानवर की जरा रिपोर्ट लेते हैं ना क्या चल रहा है। हाँ जी, शेरा, शेरा अभी तक है मोशन। वंडा इसने भी थोड़ा सा छोड़ा हुआ, खा लेगा सबका वंडा आज, देख सकते हो। कुत्ता आप लोगों को नजर ज्यादा आ रही होगी, राशन कम दिया है आज ना। प्यारू का क्या सीन है? प्यारू का भी अभी मोशन चालू है, अभी भी पतले वाले चालू हैं इसको। हीरा, हीरा भी अभी ये कर ही रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं लाइव देख सकते हैं आप, अल्लाह रहम करे। सही है, पहले से बेहतर है। पानी वाले छोड़ रहे थे, हाँ पहले बिल्कुल ही पानी वाले थे, लेकिन वंडा खाली है। हीरा माशाल्लाह वंडा नहीं छोड़ता, ये अच्छी बात है। अच्छा भाई, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल, ब्रेकिंग न्यूज़। डायमंड का क्या सीन है? डायमंड ने गोबर सुबह तो पानी वाला कर रहा था, अभी ऐसा ही कर रहा है, थोड़ा हल्का हो गया है। अच्छा, ये अभी किया डायमंड ने। और ये सकब, ये सकब का तो लग रहा है सेट हो गया मामला, वो तो सुबह पानी कर रहा था, बिल्कुल पानी था, अभी ये सेट हो गया, अभी जो गोबर देंगे ना आहिस्ता आहिस्ता सेट होने वाला है। सही है, ठीक है। तो ये है भाई सूरत हाल सारे जानवरों की, अल्लाह पाक बस रहम करे और अब जल्दी सारे रिकवरी के ऊपर आ जाएं। और अब जो है ना, इंशाल्लाह जैसे ये रिकवरी पर आएंगे एक दो दिन बाद, फिर इनका वंडा बढ़ा दिया जाएगा। पहले जो इनको राशन दिया जा रहा था ना जिस क्वांटिटी में, उससे भी ज़्यादा अब इंशाल्लाह इनको बढ़ा के दिया जाएगा। ये देखो, ये इसने अभी किया है। चलो, सुबह तो ये नहीं पी रहा था, लेकिन अभी इसको छोड़ा है शाम में, तो अब ये पी रहा है, क्योंकि वंडा भी इन्होंने आज खाया नहीं ना बच्चों ने। तो ये असल में फीड से मैं देख रहा हूँ दूध अच्छा आ रहा है ना, इन गायों की अलग से फीड स्टार्ट करी है, तो उससे दूध अच्छा आ रहा है गायों को ना। ये है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हमारे तीन जानवरों की पेट की डिवॉर्मिंग रह गई है, ये दोनों गायें और वो सिम्बा, और अब जो नए जानवर आ रहे हैं उनका तो सारे मामला दोबारा से करने पड़ेंगे। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह लाजमी बोल दिएगा, माशाल्लाह। अच्छा जी, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बछड़े को हमने थकावट के उतारने के लिए, सूजन उतारने के लिए इंजेक्शन लगा दिए, बछड़े को भी बछड़ी को भी। एक लगाया हमने फ्लूमाग्लू लगाया है 10 cc, और 10 cc लगाया है एक्सन, ठीक है। इसका सॉल्ट है फ्लूनेक्सन एक्सन का, और इसके सॉल्ट क्या है भाई, इसका भी फ्लूनेक्सन है, ठीक है। तो खैर बहरहाल, इमरान भाई बछड़ा आपने देखा लाइव, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और ये मुजम्मिल की चॉइस थी, और अल्लाह मियाँ इसको जो है वो खूब परवान चढ़ाए, आमीन आमीन। फ़खरे एक्यू बने, फ़खरे एक्यू वाले। वैसे मैंने ऑडियंस को जो है ना वो दो चार ऑप्शन दिए, फ़खरे एक्यू, शान एक्यू, या फिर जो है ना वो बादशाह है हुसन, या फिर निराला। मैंने आपको कहा है कि मेरा तो एक मतलब मेरी सजेशन भी है, मेरी ख्वाहिश भी है जी, कि इसमें लफ्ज मुजम्मिल जरूर आना चाहिए। मुजम्मिल, अच्छा, क्योंकि मुजम्मिल भाई का पैशन था माशाल्लाह, तो इस वजह से इसमें लफ्ज मुजम्मिल इसके नाम में जरूर आना चाहिए। भाई इमरान भाई की जो सबसे यानी के बात जिसने मेरा दिल जीत लिया ना, वो ये था, मैंने इनको बछड़ा दिखाया, मेरे पास ये बछड़ा मुझे कोर्ट हुआ पंजाब से, मेरा बछड़े पे दिल आ गया, मैंने बोला इमरान भाई ये बछड़ा मुझे चाहिए अपने फार्म पे, इमरान भाई ने बोला जितने का भी ये उठा लो, और हमने उठा लिया अल्लाह पाक के करम से। और
बीच में इमरान भाई आपको मैं बताऊं, ये बड़े खानपुर में रुक कर आया है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़े फार्मर है, मैं भी आपको नाम बताऊंगा वीडियो के बाद, जिस घर पे उतरा हुआ था उन्होंने वहाँ देख के वो गाड़ी वाला जो था उससे बोला यार ये बछड़ा कहाँ जा रहा है ये मुझे दे दो। अच्छा, मुझसे दो लोग अब मैंने जिनको दिखाया वाकई में उससे रब्ता करता हूं। और ये नहीं बोले कि आपकी डिमांड क्या है, हाँ। वो बोले आप हमें ये दे दें जानवर, आप हमें दे दें जानवर, और उसमें वो कीमत यानी खुद ही वो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये इंशाल्लाह ये कुर्बान होगा और अल्लाह पाक इसको सेहत दे। अभी तो बहुत टूटा हुआ है, बहुत थका हुआ है, ज़रा दो चार दिन इसकी थकावट उतरेगी तो फिर आपको ज़रा तरीके से निकाल के दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ थकावट के इंजेक्शन दिए इसको भी, बछड़ी को भी, ये सीन है।